आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी अनिता सिंह ने लॉकडाउन के दूसरे चरण में भी राशन वितरण का काम जारी रखा। अनिता सिंह ने रघुवीर नगर, गांधी नगर, रोहिणी गोकुलपुर, शास्त्री पार्क, इंदिरा केप 2 और विकास नगर में लोगों को खाने का सामान बांटा। इस काम में अजीत, विवेक, सर्वेश और दीपक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक निवेदन पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने आम जनता की आर्थिक और सामाजिक परेशानियों पर गौर करने का अनुरोध किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम योगी से अपील की है कि वो किसान, बुनकर, मजदूर और छोटे उद्योगों की समस्याओं पर गौर करते हुए उन्हें सुलझाएं। साथ ही प्रियंका ने कहा कि खेतों में गेहूं की फसल तैयार खड़ी है, लिहाजा कंबाइन मशीन से उसकी कटाई का आदेश दें। मुंबई में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मुंबई के कोलाबा में मौजूद अपना गोल्फ होटल पुलिस को सौंप दिया। अब इस होटल में मुंबई पुलिस के जवानों को क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं अबू आसिम आजमी ने आम जनता से अपील की है कि वो पुलिसकर्मी अपने परिवार को छोड़कर फर्ज निभा रहे हैं, तो हमको भी घर में रहकर अपना फर्ज निभाना है। सुल्तानपुर जिले में पुलिस कप्तान शिव हरि मीणा ने पूरे भार थाना क्षेत्र में पहुंचकर अयोध्या सुल्तानपुर बॉर्डर पर चेकिंग की। तभी एक ट्रैक्टर मौके पर बंद हो गया, जिसे पुलिस कप्तान शिव हरि मीणा, थाना अध्यक्ष पूरे भार दुर्गा प्रसाद शुक्ला और अन्य पुलिस कर्मियों ने धक्का लगाकर स्टार्ट करवाया। सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र के निरसैया गांव में भगवान दास और मां पछुहाई को गांव के दबंगों ने लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया, जिसके बाद आरोपी बहुत ही आराम से फरार भी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में मुखबिर की सूचना पर बल्दीराय थाना अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने हेमनापुर गाँव में छापेमारी कर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग 7 क्विंटल लहन के साथ 20 लीटर जहरीली शराब को नष्ट कर दिया, जबकि शराब कारोबारी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। अयोध्या जिले में संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन पांडे और राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य के लाल ने गुरुकुल में बच्चों को मास्क और बिस्किट बांटे। इस दौरान अयोध्या प्रसाद गौड़, मोहम्मद राशिद और विनोद कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ सीओ अयोध्या अमर सिंह और सीओ इंटेलिजेंस ओमकार सिंह यादव ने गार्डों को भी मास्क बांटे। अयोध्या जिले में कायस्थ सेवा समाज संगठन के अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने वजीरगंज जप्ती की मलिन बस्ती में कोरोना से बचाव की जानकारी दी। साथ ही उनके हाथों को सैनिटाइज करके मास्क वितरित कर घर में रहने का अनुरोध किया। इतना ही नहीं, कायस्थ सेवा समाज में महिला थाना अध्यक्ष प्रियंका पांडे और सभी पुलिस कर्मियों को मास्क बांटे। अयोध्या जिले में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने जिले के मुख्य पार्क और आसपास सभी धार्मिक स्थल, दुकानों और प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज कराया। आपको बता दें कि गोंडा में कोरोना मरीज पाए जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। इतना ही नहीं, लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की। गोंडा जिले के पिछोड़ी ग्राम सभा में एक शख्स में कोरोना के लक्षण मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंच गई। फिलहाल शासन की तरफ से 14 दिन के लिए मरीज को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। बाराबंकी जिले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने आईटीसी कंपनी के प्रतिनिधि मंडन मिश्रा ने मुलाकात की। मंडन मिश्रा ने एसपी को आईटीसी कंपनी का आटा, सेवलॉन साबुन, बिंगो चिप्स और बिस्किट के पैकेट दिए, ताकि इन्हें गरीबों में बांटा जा सके। उनके इस काम में कंपनी के जगदीश कूचे, हर्ष किरण, सुनील कुमार और डिस्ट्रीब्यूटर टीम ने भी अपना योगदान दिया। बहराइच जिले में पुलिस पहले से ज्यादा सक्रिय दिख रही है। क्षेत्राधिकारी नगर त्रयंबक नाथ दुबे और थाना प्रभारी दरगाह विजय कुमार सरोज मय फोर्स की गश्त करते मिले। आपको बता दें कि पूरे जिले में एसपी के सख्त निर्देश पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और फालतू घूमने वालों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। वाराणसी जिले में सर सुंदरलाल अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ की टीम ने अचानक कार्य बहिष्कार कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि कॉन्फिडेंशियल लेटर जारी कर कोरोना सैंपलिंग करने की जिम्मेदारी नर्सिंग स्टाफ को दी गई है, जबकि नर्सिंग स्टाफ के पास किसी तरह की सुरक्षा किट भी नहीं है। तैनाती पत्र मिलने के बाद नर्सिंग स्टाफ में आक्रोश का माहौल है। वाराणसी जिले में बीएचयू से मिली सैंपल्स की रिपोर्ट के अनुसार 5 नए लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 5ों का संबंध दिल्ली की जमात या उनसे जुड़े लोगों से है। डॉक्टरों के मुताबिक इनमें से 3 लोग जमात में शामिल थे, जिन्हें फिलहाल क्वारंटाइन कर दिया गया है। रामपुर जिले के मिलक में कैंप में ठहरे 25 प्रवासी मजदूरों को 2 रोडवेज की बसों से उनके घर भेजा गया। आपको बता दें कि सभी मजदूर 14 दिन की क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर चुके हैं और इन सबकी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आई हैं। फिलहाल सभी मजदूरों को सहायता किट देकर घर भेजा जा रहा है। रामपुर जिले में वीर खालसा सेवा समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह ने पूरी बीबी कॉलोनी को सैनिटाइज कराया। उनके इस काम में सरदार मनमीत सिंह, गुलशन अरोड़ा और विष्णु कपूर ने उनका साथ दिया।
रामपुर जिले में SDM टांडा और CO स्वार ने बाजपुर बॉर्डर पर मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में SDM और क्षेत्राधिकारी बाजपुर, SDM और क्षेत्राधिकारी काशीपुर समेत कई अधिकारियों ने शिरकत की। मऊ जिले में घोसी कोतवाली के माउर बोझ गांव में रहने वाली इंदु देवी अपने बच्चे के बेहतर इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। महिला के मुताबिक जिले के प्राइवेट अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया था, लेकिन दिक्कतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। थक हार कर महिला ने कोतवाल सचिदानंद यादव से मदद मांगी और इंस्पेक्टर सचिदानंद ने तुरंत ही CMS बात कर महिला को एम्बुलेंस में अस्पताल रवाना किया। मध्य प्रदेश में पंधाना जिले के ग्राम बोर गांव बुजुर्ग खिराला कुमटी में एक मरीज मिलने से प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसके बाद प्रशासन ने गांव के सभी रास्तों और दुकानों को सील कर सैनिटाइज करवाया। इतना ही नहीं, बोर गांव बुजुर्ग स्टाफ के सभी जवानों को जांच के लिए खंडवा भेजा गया। मध्य प्रदेश के पंधाना जिले में SDM राहुल गुप्ता ने बोरगांव बुजुर्ग खिराला कुमटी का दौरा किया। इस दौरान SDM ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर घर घर जाकर सर्वे किया।